हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे घर पे बैठ के। और जैसा कि आप जानते हो कि आज शुक्रवार है, तो आज जो है सेकेंड ईयर की पहली क्लास चालू करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन की। जो कैलकुलेशन की क्लास होती है, तो उस क्लास में मैंने आज पहला टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। और ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मुख्य है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो शुरू करते हैं। तो संख्या प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, संख्या अपन दैनिक जीवन में बहुत सारी संख्या काम में लेते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और काम में भी लेते हैं। ठीक है, जैसे गिनती हो गई एक दो, एक से अनंत तक, 0 से अनंत तक। ठीक है, और फिर बाद में अपन पुराने ज़माने में जब काउंटिंग करते थे किसी संख्या की, किसी चीज़ की काउंटिंग करते थे, जैसे ये अपने तीन पेन है तो इनकी काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 ऐसे करते थे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों की काउंटिंग करनी होती तो इस प्रकार से करते थे। ठीक है, फिर टिप्स पे आने लग गए, ये जो पॉइंट अपने इन पे काउंटिंग करते थे। ठीक है, तो ये तरीके थे पिछली, जो जब ज़्यादा गणित का विकास नहीं हुआ था उस टाइम की बातें हैं। तो उस आधार पे दो भागों में इसको विभाजित किया है संख्या प्रणाली को। पहला है नॉन पोजिशनल संख्या प्रणाली, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है पोजिशनल संख्या प्रणाली, पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब पोजिशनल कहते हैं ना पोजिशन, और यार उसकी तो पोजिशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो पोजिशन यानी स्थिति। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर दो भागों में बंटा है, एक की स्थिति खराब है नॉन पोजिशन यानी स्थिति खराब है, और एक पोजिशनल यानी इसकी स्थिति सही है। ठीक है, तो नॉन पोजिशनल इसकी कोई स्थिति नहीं होती है, इसमें अपन सिंपली काउंट करते हैं कि भाई 1 है 2 है 3 है ऐसे पोजीशन, मतलब अपन गिनती तो कितनी बोल गए, 1 2 3। ठीक है, इसको डायरेक्ट 3 भी तो लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर अपन 1 2 3 कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है 1 2 3 कंटिन्यू लिखेंगे, तो ये तो संख्या ज़्यादा हो गई, 1 2 3, 3 और 3 6 हो गई टोटल, और अपने पास पेन कितने, 3 ही है। ठीक है, तो ये इनकी कोई पोजीशन नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3, ये काउंटिंग होगी इस प्रकार। ठीक है, 1 2 3, जैसे ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे मतलब पोजीशन नहीं होती। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई पोजीशन नॉन पोजिशनल की। ठीक है, पुराने समय में मनुष्य उंगलियों में गिना करता था। ठीक है, 10 से ज़्यादा गिनना होता तो वह पत्थर कंकड़ छड़ी का प्रयोग करता था। ठीक है, पुराने ज़माने में जब अपन या तो उंगलियों पे, जैसे मैंने बताया उंगलियों पे गिनते थे, ठीक है, या फिर जैसे मैंने पेन का सहारा लिया 1 2 3। ठीक है, उसी प्रकार वो पुराने आदमी पत्थर का सहारा लेते थे। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होता है अपने को ओवर का और बॉलों का पता नहीं रहता, तो अपन क्या लेते हैं, 6 पत्थर ले लेते हैं, जैसे एक बॉल हुई एक पत्थर एक मुट्ठी से दूसरी मुट्ठी में डाल लेते थे, तो उससे अपने को पता रहता था हाँ भाई इतने बॉल हो गई और ये ओवर चल रहा है। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई पत्थर काम में लेते थे, कंकड़ पत्थर एक ही चीज़ है, और छड़ी मतलब लकड़ी के टुकड़े भी काम में लेते थे। ठीक है, तो ये सब गणना क्या कहलाती है, नॉन पोजिशनल संख्या ही कहलाती है। ठीक है, ये उंगलियों पे गिनना, पत्थरों से काउंटिंग करना, पेन के सहारा जैसे मैं ये काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लकड़ियों के टुकड़ों से काउंटिंग करना, वो सारी क्या कहलाती है, नॉन पोजिशनल, मतलब इन नंबरों की कोई पोजिशन नहीं होती। ठीक है, 1 2 3 बोल रहे हैं लेकिन इनकी कोई पोजिशन नहीं है, इसको मैं यहाँ रख दूँ तो भी 1 2 3 ही रहेगा ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख दूँ तो भी 1 2 3 ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये पोजिशन के आधार पर बता रहा हूँ कि मतलब ये एक है तो ये एक को मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं भी रख दूँ, ये 1 2 3 ही रहना है, 3 संख्या रहनी है इनकी, बढ़ेगी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा भाई, ये जो 3 संख्या है 3 ही रहेगी। ठीक है,
लेकिन जैसे आप जानते हो कि भाई 3 के आगे 0 लगा दूं तो अब ये संख्या क्या बन गई, 30। ठीक है, 3 के अगर मैं दाएं साइड में जो है 0 लगा दूं तो ये संख्या क्या बन जाती है, 30। यानी पोजीशन ही चेंज हो गई ना, 0 पहले 0 क्या था, यहाँ पे काउंटिंग कितनी है, 3 है, तो इस 3 को कैसे लिखेंगे, 03 ऐसे लिखेंगे ना, 03 लिखेंगे। अब यहाँ तो क्या है, बाईं साइड है, बाईं साइड है 0, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3। लेकिन ये 0 जब दाईं साइड चला गया, यानी इस 0 की पोजीशन चेंज हो गई, वही ना पोजीशन चेंज, तब ये संख्या क्या कहलाई, 30। तो यही फ़र्क है पोजिशनल और नॉन पोजिशनल संख्याओं में। ठीक है, तो जैसे अपन उंगलियों पे टिप्स पे गिनते थे, तो एक टिप में, एक उंगली में 3 गट्टे होते हैं, तो पूरे ये 4 उंगलियों में 12 अपन काउंट करते हैं। चाहे मैं इधर से काउंट करना शुरू करूँ, चाहे इधर से काउंट करना शुरू करूँ, मेरे उंगली में 12 गट्टे रहने, ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही तो नॉन पोजिशनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इधर से गिनो, चाहे इधर से गिनो, चाहे बीच वाली उंगली से स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब पोजिशन का कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोजिशनल संख्या में क्या है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि अगर 0 दाएं बाएं साइड है और दाएं साइड आ गया तो संख्या का नाम ही बदल जाता है। तो ये फ़र्क होता है पोजिशनल और नॉन पोजिशनल संख्या में। ठीक है, तो ये मैं बताने के लिए बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पर। अब पोजिशनल संख्या यानी पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार की संख्या प्रतीकों का प्रयोग करते करके व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो इस प्रकार की संख्या है वो प्रतीक चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग करते हुए दिखाते हैं। डिजिटल का मान स्थिति पर निर्भर होता है। भाई जो डिजिटल संख्या है, ये सारी क्या है, डिजिटल संख्या है ना, अपन कहते हैं डिजिटल मीटर आ गए, अपने कहते हैं ना डिजिटल मीटर। तो डिजिटल में क्या होता है, डिजिट आते हैं, डिजिट यानी संख्या, डिजिट का मतलब क्या होता है, संख्या। तो जो मीटर है वो अपने को डायरेक्टली किस में मान दे रहा है, डिजिटल यानी संख्या में मान दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टली रीडिंग दे रहा है ना, तो वो डिजिटल मीटर हो गए। तो वैसे ही डिजिट से क्या बना है, डिजिटल मान स्थिति पर निर्भर होता है। यानी पोजीशन, जैसे मैंने अभी बताया कि 0 की पोजीशन बाएं साइड आते ही 30 बन गया। ठीक है, तो डिजिट किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे, स्थिति पे निर्भर होता है। ठीक है, जैसे 1 2 1, ठीक है, यहाँ 1 2 1 लिखा है, अगर ये नॉन पोजिशनल की बात होती तो क्या बोलते, 1 2 1 ही बोलते इसको। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पोजिशनल है, तो ये संख्या क्या है, क्या बोलेंगे इसको, ये संख्या कहलाएगी 121। क्या कहलाएगी, 121। बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि पहली संख्या इकाई होती है, दूसरी संख्या दहाई होती है, तीसरी संख्या सैकड़ा होती है, फिर 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये अपन बचपन में सीखते आ रहे हैं कि भाई इकाई दहाई सैकड़ा ये होता है, इसलिए इसको 121 बोलते हैं, इस संख्या को 121 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोजिशन है। ठीक है, पहला जो संख्या, पहली जो एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन पोजिशनल की बात होती तो अपन 1 2 1 बोलते इसको। ठीक है, चाहे मैं इधर से बोलूँ, चाहे इधर से बोलूँ, बाएं साइड से बोलूँ तो भी 1 2 1 ही रहना है, और दाएं साइड से बोलूँ तो भी 1 2 1 ही रहना है। कब, जब नॉन पोजिशनल संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पोजिशनल में क्या है, अगर मैं इस संख्या को क्या बोल रहा हूँ, 121। ठीक है, तो पहला जो एक है इसका मान क्या है, एक ही है। लेकिन ये जो तीसरा नंबर का, दूसरे नंबर का एक है, इसका मान क्या हो गया, 100। क्या हो गया, 100 हो गया, 100। तो 121 ये तो बोलेंगे ना, 21, तो ये 21 है, इकाई यानी एक ही है, और इसका मान सैकड़ा हो गया। ठीक है, जो डेसिमल संख्या है वो दैनिक जीवन में काम में ली जाती है, इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, होते हैं ना, अपने कीपैड हो गया, कीपैड मोबाइल में, मोबाइल के कीपैड में 0 से 9 अंक ही होते हैं, हर जगह जहाँ पे भी अपन देखते हैं 0 से 9 ही अंक होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, कीबोर्ड में भी अपने संख्याएं होती हैं तो 0 से 9 होती है। ठीक है, और अपने मोबाइल की कीपैड में हो गया। ठीक है, तो ऐसे हर जगह जो है 0 से 9 में ही चलता है। तो जितनी भी संख्याएं बनी हैं, जैसे अपना मोबाइल नंबर है,
आपका स्वयं का मोबाइल नंबर वो अगर बना है तो 0 से 9 के बीच में संख्या का प्रयोग करते हुए बनाया ना, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नंबर ये है 6 3 2 5 7 9 8 3, ठीक है। तो ये जो सारी भी संख्या बनी है वो 0 से 9 के बीच में तो बनी है। देखो 6 भी 0 से 9 के बीच में आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 9 तो है ही लास्ट का, और 8 है, 3 है, फिर 0 है, 0 फर्स्ट आ गया, फिर वापस 3 आ गया। तो ऐसे सारी जितनी भी पोजिशनल संख्याएँ बनी है वो किससे बनी है, डिजिटल संख्या 0 से 9 के बीच में ही बनी है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया होगा कि भाई नॉन पोजिशनल क्या होता है और पोजिशनल संख्याएँ क्या होती है, आपको समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना जिसकी पोजिशन नहीं होती, मतलब अपन 1 1 2 3 4 5 6 7 ये डंडियाँ खींची मैंने, अब मैं इसको इस तरफ से काउंट करूँ चाहे इस तरफ से काउंट करूँ ये 7 ही रहनी है, तो इनका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो क्या कहलाती है, नॉन पोजिशनल संख्या कहलाती है। मतलब संख्या को मतलब किसी भी तरफ से काउंट करो उसका मान वही रहना है, लेकिन जिस संख्या का मान बदल जाए इसके कारण पोजिशन के कारण है, ठीक है। इस तरफ से काउंट कर रहे हैं तो 1, ठीक है, फिर दोनों को मिला दिया तो 21, फिर तीनों मिला दिया तो 121, ठीक है। और दाई बाएं साइड से काउंट करें तो 121 हो जाता है, पहले 100 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब पोजिशनल संख्या में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा पोजिशनल और नॉन पोजिशनल क्या होता है। अब बात कर रहे हैं पोजिशनल संख्या प्रणाली की, ठीक है, क्योंकि नॉन पोजिशनल में तो फिक्स हो गया, तो इसका तो कोई प्रकार होंगे नहीं, होंगे तो पोजिशनल के होंगे। तो पोजिशनल संख्या के 4 प्रकार होते हैं, कितने, 4 भागों में बांटा गया इसको। डेसिमल संख्या प्रणाली, डेसिमल अभी बताया था अपन ने, डेसिमल दैनिक जीवन में काम में लेते हैं और 0 से 9 इसके अंक होते हैं। तो डेसिमल प्रणाली में क्या होता है, 0 से 9 तक की संख्याएं होती है। फिर आती है बाइनरी संख्या प्रणाली, तो ये दूसरा भाग है इसका पोजिशनल संख्या प्रणाली का, बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी यानी बाई यानी दो, बाइनरी यानी दो, हमेशा याद रखना बाइनरी यानी दो। तो इसमें दो का मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे ख़त्म हो जाएगा, 0 1 हो गए ना दो संख्या, 0 1। तो अपने जो आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनके भी जो गेट सिस्टम चलता है, गेट है नॉट गेट, तो वो सारे, या फिर ऑन ऑफ सिस्टम चलता है, स्विच होता है ना, ऑन हो गया तो 1 और ऑफ कर दिया तो 0, ये मान मानते हैं ना, तो बस यही है ऑन ऑफ, ठीक है, 0 1। तो बाइनरी सिस्टम बहुत जगह अपने काम आता है, ये ज़्यादातर जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर इनमें जो सिग्नल्स भेजते हैं उनमें ज़्यादा काम आता है बाइनरी संख्या प्रणाली, ठीक है। 0 1 ऑन ऑफ, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, ठीक है, इसलिए ये प्रणाली बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। फिर बाद में आ गया ऑक्टल संख्या प्रणाली, ठीक है। तो डेसिमल संख्या प्रणाली तो अपने मोबाइल में काम आ गई या कीपैड में काम आ गई, ठीक है, जहाँ भी नंबर यूज़ करने होते हैं वहाँ पे 0 से 9 ही काम में लेते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली अपने लैपटॉप कंप्यूटर इनमें सिग्नल भेजने के लिए, किसके लिए, सिग्नल, कि सिग्नल क्या है, या तो ऑन में होगा या फिर ऑफ में होगा, ठीक है, तो ऑन ऑफ, ठीक है, स्विच का भी अपने उदाहरण दिया है। फिर बाद में आ गया ऑक्टल संख्या प्रणाली, ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब हो गया 8, ऑक्टल माने 8, तो 0 से 7 ही होगा, 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहे हैं, 8 संख्या 2 बार काउंट कर ली मैंने, 7 ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर 8 काउंट करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 9, तो 9 नहीं होगी, 8 ही, ऑक्टल का मतलब 8, ठीक है। और फिर लास्ट है हेक्सा डेसिमल संख्या प्रणाली, कौन सी, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मानी 6, डेसिमल मानी 10, यहाँ देखा ना डेसिमल, डेसिमल में 10 ही हो रही है ना, 0 से 9 10 हो गई, हेक्सा मानी 6 और डेसिमल यानी 10, तो 10 से कितना हो गया, 16। तो इस सिस्टम में कितनी संख्याएँ होती है, 16। तो अपने को डेसिमल का पता है 0 से 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 0 से 9 के बाद में क्या आएगा, 0 से 9 के बाद में ले लिया अल्फ़ाबेट, ए का मतलब हो गया 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12 और डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, ठीक है।
तो हेक्साडेसिमल प्रणाली में 16 संख्याएं होती है, ऑक्टल में 8 होती है, बाइनरी में 2 होती है, डेसिमल में 10 होती है, ये ध्यान रखना। डेसिमल 10, डेसी 10, बाइनरी 2 बाई 2, ठीक है, और ऑक्टा 8 और हेक्सा डेसिमल 16, ठीक है। तो ये संख्या भी ध्यान में रखना कि हेक्सा डेसिमल में जो अपना हेक्सा डेसिमल है, हेक्सा डेसिमल ठीक है, इसमें क्या होता है, 0 से 9 होता है, ये तो हो गया 10 संख्या ही। फिर बाद में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, ठीक है। तो ये 10 संख्या के बाद में 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या होती है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15, ठीक है। तो जहाँ भी 10 आएगा ना, 10, ठीक है, तो वहाँ पे ए लिखेंगे, जहाँ 12 आएगा वहाँ पे सी लिखेंगे, जहाँ 15 आएगा वहाँ पे एफ लिखेंगे, मतलब ऐसे संख्या लिखते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल जब आएगा अपना पॉइंट, तब समझाएंगे भाई ये ए बी सी डी ई एफ कैसे काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ये आज मैं ये डेसिमल संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में कैसे बदलते हैं वो ये दोनों काम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मैं पहले बता देता हूँ भाई, ये दोनों का जो संबंध है वो कैसे है, किस प्रकार संबंध है, ठीक है, इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं, इसको इसमें कैसे बदला जाता है वो आज। तो शुरू करते हैं डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या प्रणाली में कैसे बदलते हैं वो अब सीखते हैं। तो डेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 संख्याएं होती है, बाइनरी में 0 और 1 2 ही संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ये मैंने लिखा नीचे कोष्टक के यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ये 10 का और ये 2 का मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट है इसके बाद में 10 लिखा हुआ, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी होगी ना वो किस में है, वो है डेसिमल संख्या कहलाएगी। ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है वो डेसिमल संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो अपने को पता भी है भाई, जो संख्या होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, ब्रैकेट में जो भी संख्या होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, और इसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं इसको, बेस। तो बेस में क्या लग जाता है, 10 लग जाता है, ठीक है, ये चिन्ह है पहचानने का, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्या होता है वो डायरेक्ट ही इस प्रकार सवाल देता है, मतलब इसमें कोई संख्या लिख देता है, 10 लिख देता है और कोष्ठक के बाद में 2 लिख देता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई परीक्षा में इसका मतलब क्या है, मतलब ये लिखा हुआ है फिर तीर का निशान है फिर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई जो कोष्ठक के अंदर संख्या लिखी हुई है वो डेसिमल की संख्या है और आपको उसको बदलना है बाइनरी संख्या में, ठीक है। तो अब कैसे बदलेंगे, उसके लिए अपने को एक सवाल लेना पड़ेगा। मैं संख्या ले रहा हूँ 65, क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 65 मैंने लिख दिया कि 65 जो डेसिमल संख्या है, डेसिमल ही है, 0 से 9 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो डेसिमल 65 डेसिमल संख्या है, उसको अपने को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो अपना जो आंसर आएगा वो लिखना है यहाँ पे। तो आंसर किस में आएगा, 0 और 1 में आएगा, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में बदल रहे हैं। तो अपन जो पहले छोटी कक्षाओं में भाग देने की विधियाँ पढ़ते थे ना, भाग देने की विधियाँ, भाई 65 का भाग, 65 में 2 का भाग लगाएंगे। 2 का क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो आधार में लिखा हुआ है ना उसी संख्या का भाग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसी संख्या का भाग लगाना जो यहाँ पे आधार में लिखी हुई है। अब आपको कहोगे यहाँ आधार में 10 लिखा हुआ है तो 10 का भाग क्यों नहीं लगा रहे, अरे क्योंकि वो खुद ही डेसिमल संख्या है, 10 का भाग लगाऊंगा मैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे 10 का भाग लगाता हूँ तो ये 6 बार जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर वापस 5 आ जाएगा, फिर वो जाए, तो मतलब वापस यही आना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 10 का भाग नहीं लगा, 10 ये डेसिमल संख्या खुद है, ठीक है, बदलना किस में, बाइनरी में बदलना है। तो इसलिए जिस संख्या में बदलना है ना, याद रखना जिस संख्या में बदल रहे हैं उसका कोष्टक के आधार क्या लिखा हुआ है उस संख्या का भाग देना हमेशा। इस कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है उसमें यहाँ जो कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी हुई है उसका भाग देना है, ठीक है, चाहे यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हुआ हो, 16 लिखा हुआ हो, 3 ही तो है अपने पास, ठीक है, 10 क्यों नहीं, 10 तो ये खुद ही है, ठीक है। तो क्या करते थे अपन, इस संख्या को क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है, और ये भाज्य या भाजक संख्या, और यहाँ पे क्या आता है, भागफल,
ये होता था ना भाजक, भाज्य और भागफल, यहाँ लिखते हैं ठीक है। ये जो संख्या है इसको भाज्य बोल रहे हैं ठीक है, भाज्य ये संख्या को, ऊपर नहीं, इस संख्या को भाजक बोल रहे हैं, इस संख्या को भाज्य बोल रहे हैं, और यहाँ जो भी संख्या थी उसको भागफल बोलते हैं। फिर मान लो जैसे यहाँ पे अपने शेषफल आ गया, कितना आ जाएगा शेषफल, जो भी आएगा यहाँ पे अपन लिखते हैं ना शेषफल, यहाँ एक है तो एक लिख दिया, तो यहाँ क्या आएगा शेषफल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ से मतलब है ठीक है, एक तो भाजक से और एक शेषफल से ठीक है। भाजक क्या होगा, जो कोष्टक के, खाली कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी हुई है वही हमेशा क्या होगा भाजक होगा। भाज्य इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या होगी। भागफल तो अपने कोई काम का ही नहीं है ठीक है, क्योंकि भागफल यहाँ बीच में चलता रहेगा। शेषफल अपने काम का है, जो आंसर आएगा ना मेन आंसर वो शेषफल से आएगा, ये ध्यान में रखना ठीक है। इसलिए दो चीज़ें अपनी काम की है, भाजक और शेषफल। ओके तो चलते हैं आगे। तो ये तो अपना ऑर्डिनरी तरीका हो गया कि ऐसे भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे एक बार ही शेषफल आता है, कितनी बार, एक बार ही शेषफल आता है इस भाग में ठीक है। तो लेकिन अपने को ये गुणनखंड विधि है ना, पढ़ा होगा आपने गुणनखंड विधि। तो बीच में जो अपन क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, और ये भाजक, यहाँ पे भाजक संख्या आएगी ना, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा शेषफल। भागफल मत लिखते ना, भागफल केवल यहीं लिखा रहता है इस पैटर्न में ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होगा, ये सवाल जो है इस तरीके से नहीं होगा ठीक है। तो शेषफल यहाँ आएगा और भागफल अपन यहाँ लिखते हैं, ये जो बीच वाला खंड है ठीक है, भागफल बीच वाले खंड में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ भाजक लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं, शेषफल यहाँ पे लिखते हैं। तो अपना मेन मोटिव क्या है, शेषफल का है ठीक है। शेषफल ही अपने को आंसर देगा, न तो भागफल देगा, न भाजक देगा, न भाज्य देगा ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाजक हमेशा क्या होगा, खाली कोष्ठक के बाहर जो संख्या लिखी हुई वो भाज्य होगा, भाजक होगा। तो दो का भाग स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको, दो का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 3, फिर दो का भाग 5 में दिया, कितनी बार गया, 2 दूनी 4 ठीक है। शेषफल कितना बचा, 1 बच गया ना, तो शेषफल यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसके सामने लिखते हैं ठीक है। बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे चैनलों में आपको यहाँ पे भी दिखाएंगे, इस खंड को खाली रखते हैं नीचे वाले, इस संख्या के सामने लिखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इस संख्या के सामने ही लिखता हूँ हमेशा ठीक है। तो ये आपका तरीका है, चाहे आप ये तरीका चूज़ करें तो कर लें, मैं आगे मैं बता दूंगा जैसे जैसे अपने एग्जाम्पल करेंगे उसमें मैं तरीका भी चेंज करता जाऊँगा ठीक है। तो ये अपना पहला शेषफल आ गया 1 ठीक है, ध्यान में रखना ये शेषफल ही काम का है। फिर दो का भाग लगाएंगे ठीक है, तो दो का भाग लगाया, तो 3 में दो का भाग लगाया, 2 एकम 2, शेषफल 1, यहाँ जाएगा तो कितना हो गया 12, ये संख्या 12 होगी ना पोजिशनल, ध्यान हो तो ये उधार देने पे 12 हो गया, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचा, अरे शेषफल बचा 0, कहाँ लिखेंगे, इस संख्या के सामने ठीक है, यहाँ मत लिखना, यहाँ इस संख्या के सामने लिख रहे हैं ठीक है। तो पहला शेषफल इस संख्या के सामने, क्योंकि इस संख्या का शेषफल है, ये इस संख्या का शेषफल है ठीक है। फिर वापस दो का भाग दे रहे हैं, तो 8 बार जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया यानी शेषफल 0। फिर वापस दो का देंगे, फिर 4 बार चला गया यानी पूरा पूरा भाग चला गया 0। फिर दो का भाग देंगे, पूरा पूरा चला गया 0। फिर दो का भाग देंगे, 1 बार चला गया 0 ठीक है। फिर वापस दो का भाग देंगे ठीक है, तो क्या हो गया, भाग टूट गई शुभ, याद होगा ना भाग टूट गई शुभ, बहुत पढ़ा होगा ये। तो शेषफल कितना बचा 1 ठीक है, भागफल तो 0 हो गया और शेषफल 1 हो गया ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जिस संख्या का शेषफल है वो उसके सामने लिख दिया। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जब विषम संख्या है, ये क्या है 65, क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी आ रही है, क्योंकि भाग किसका दे रहे हैं, सम संख्या का, और सम और विषम संख्या के वे तो वैसे भी नहीं बनती, और अपने समझ में भी जब छोटे थे तो बहुत कन्फ्यूजन रहता था, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो ये थोड़ा लड़ाई रहती है इनके, तो आंसर क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। जब जो भाज्य है वो क्या हो, विषम संख्या हो, तो शेषफल भी क्या होगा, विषम होगा ठीक है।
और भाज्य अगर सम है तो शेषफल क्या होगा? जीरो। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ सम सम सम, यहाँ पे सम संख्या आ रही है तो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ वापस विषम संख्या आ गई, एक विषम संख्या है तो एक आ गया। ठीक है, अब देखो ये अपना आंसर क्या होगा? शेषफल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब इसका आंसर क्या होगा वो बताता हूँ। 65, ये बेस 10 हो गया, कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका बेस 2 हो गया। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखना है वो तरीका देख लो। ठीक है, ज़्यादातर तरीका तो ये बता रखा है कि भाई आपको ये एरो ध्यान में रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये तीर ध्यान में रखना है कि नीचे से ऊपर लिखते जाना है। हमेशा संख्या कहाँ से स्टार्ट करनी है? नीचे से ऊपर, ये तरीका सब बताते हैं। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा दो तरीके बताता हूँ, आपको जो भी समझ में आए वो चूज़ करें। ठीक है, ऐसा होता क्यों है भाई? हमेशा ये सब बताते हैं भाई नीचे से ऊपर लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। अरे लिखना क्यों है ये तो बताओ, लिखते क्यों है नीचे से ऊपर? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहला कारण तो ये है नीचे से ऊपर लिखने का कि भाई अपन जब भी अपनी आदत होती है, मतलब अपने को सिखाया जाता है, तो अपन लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, कैसे लिखते हैं अपन? है बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ ही तो लिखते हैं, अपना ये आदत है, अपन बचपन से ये सीखते हैं बाईं ओर से दाईं ओर लिखना। ठीक है, कोई उल्टा लिखता हो, जैसे मान लो जैसे होते हैं दाईं ओर से बाईं ओर लिखने वाले, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर से नीचे लिख सकता है। ठीक है, अगर आपका तरीका इस प्रकार है कि आप इस तरफ से लिखते हो, ठीक है, इस तरफ से लिखते हैं ना संख्या को, इस तरफ से लिखते हैं नाम को, इस तरफ से लिखते हैं, तो वो ऊपर से नीचे लिख सकता है। क्या आएगा ऊपर से नीचे लिखने पे? सबसे पहली संख्या एक, ठीक है, फिर जीरो, फिर जीरो, कितनी बार जीरो है? 1 2 3 4 5 बार है, 3 4 5, फिर ये एक आ गया, आ गया ना, तो ये आंसर हो गया। अगर आप दाईं ओर से बाईं ओर लिख रहे हो, मैंने दाईं ओर से बाईं ओर लिखा ना, यहाँ पे भी पहले एक लिखा फिर जीरो लिखा, तो बाईं दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा हूँ। लेकिन अगर अपनी ज़्यादातर आदत क्या होती है, अपन ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 1, सबको पता है ना भाई, अपन आदत ये होती है इस तरफ जाने जाकर लिखने की होती है, बाईं ओर से दाईं ओर हमेशा लिखते हैं अपन। इसीलिए ध्यान रखना, जिसकी आदत बाईं ओर से दाईं ओर लिखने की है वो नीचे से ऊपर लिखें, क्योंकि यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई फर्स्ट में भी एक है लास्ट में भी एक है, इसलिए बीच में कोई संख्या में फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो आने वाले सवाल है उनमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि संख्या बदलती रहती है। तो जिसका तरीका ये है बाईं ओर से दाईं ओर जाने का, वो ध्यान में रखना हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, जो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। ठीक है, और जो दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर से नीचे लिख सकता है। ठीक है, तो ये जो है 65 जो संख्या है उसकी बाइनरी क्या हो गई? 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है 65 का आंसर। जो 65 जो डेसिमल संख्या है उसका बाइनरी क्या है? 2। अब आप कहोगे सर ये तो संख्या आपने कहा था 2 ही है बाइनरी में, यहाँ तो बहुत सारी संख्या हो गई, तो मतलब ये जो संख्याएं हैं जैसे ये 65 है वो 0 से 9 के बीच में ही तो बन रही है सारी, जो 65 संख्या है वो 0 से 9 के बीच में तो बन रही है। वैसे ही अपन ने क्या बताया था, बाइनरी जो संख्या है वो 0 और 1 के बीच में बनती है, तो ये सारी जितनी भी संख्या है वो 0 और 1 के बीच में ही तो है। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया होगा। तो अपना अगला सवाल है 85, 85 बोलेंगे ना इसको, जो 85 डेसिमल संख्या, देखो मैंने बताया था भाई आधार जो है 10 लिखा हुआ हो तो मतलब वो अंदर वाली संख्या होगी डेसिमल, तो 85 जो संख्या है उसको किस में बदलना है? 2 लिखा हुआ यानी बाइनरी में। ठीक है, तो ये संख्या है, अब इस 85 को कहाँ लिखेंगे? बीच में, पता है। ठीक है, भाज्य, भाजक क्या है? 2, और शेषफल अपन संख्या के सामने लिखेंगे, तो शेषफल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शेषफल, ताकि आपको याद रखें कि भाई शेषफल कहाँ लिखना है, क्योंकि शेषफल से ही अपना आंसर आ रहा है, आपने देखा है। तो गुणनखंड विधि से करते हैं इसको, 2 का भाग दिया तो 8 में दिया तो 4 आ गए, और 5 में दिया तो 2 आ गए, शेषफल कितना बचा इस संख्या का? 1, फिर वापस 2 का दिया, यहाँ क्या आ गया? 21। ठीक है, यहाँ शेषफल भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब शेषफल 0, जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वो शेषफल तब क्या आएगा? 0, और पूरा पूरा नहीं जाता मतलब शेषफल 1, क्योंकि बाइनरी में 2 ही चीज़ आएंगी, 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ क्या विषम संख्या है, यानी शेषफल 1 आएगा, पहले लिख दो, लिखो दिक्कत नहीं, अब भाग दे लो, 1 भाग टूट गई, शुभ भाग टूट गई ना, तभी तो शेषफल 1 बचा।
फिर दो का भाग दिया पूरा पूरा चला गया पाँच, ये सॉरी यहाँ तो 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये जल्दी के कारण हो गया, 10 के 2 का भाग दिया 5 आया और शेषफल आया 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। फिर 2 का भाग दिया तो विषम संख्या है, शेषफल क्या आएगा 1 और भागफल 2। फिर वापस 2 का भाग दिया पूरा पूरा भाग चला जाएगा 1 0। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे भाग टूट गई शुभ, ठीक है, और ये शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, ये उसी के लिए अप्लाई है जो इस तरफ से लिख रहा है, बाएं से दाईं ओर लिखना जिसकी आदत है वो उसी के लिए, और सबकी लगभग अपने भारत में जितने भी आदमी हैं लगभग लगभग की बाएं से दाईं होती है। ठीक है, तो इसीलिए अपन ये एरो दिखाया जाता है, बुक्स में भी दिखाया जाता है, बुक्स में कोई कोई बुक्स में यहाँ से दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ से दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ से दिखाने का मतलब है कि भाई ये जो एक है ये यहाँ पे ना लिख कर, ठीक है, यहीं लिखा रहता है, मतलब ये स्टेप बचाने के लिए जो है ये एरो नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये है कि भाई यहाँ से इस एक से स्टार्ट करना लिखना, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे एक में भी 2 का भाग दे दिया, एक स्टेप बढ़ा ली, लेकिन अपना एक क्लियर हो गया ना भाई, शेषफल ही लिखना है एक, तो यहाँ से याद रखो भाई यहाँ से लिखना है। बहुत सारे बार क्या होता है भूल जाता है आदमी इस तरीके में, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इस पर विश्वास करता हूँ भाई अपनी एक स्टेप बढ़ रही कोई बात नहीं, लेकिन अपना जो है याद रहेगा भाई ये चीज़ उतारनी है नीचे से ऊपर उतारनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 जो डेसिमल संख्या है उसका बाइनरी संख्या क्या हो जाएगी, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बाएं से दाएं, तो पहली संख्या 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो ये जो 85 है इसका बाइनरी ये हो जाएगा 01, सॉरी 101 01। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, इस संख्या में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस तरफ से लिखे हैं चाहे इस तरफ से लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो इनकी आप आंसर कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी है, तो बाइनरी संख्या किससे मिलकर बनी है, पहला ऑप्शन है 0 से 1, बी है 0 से 7, सी है 0 से 9 और डी है 9 से Z। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 29 जो डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी में बदलने पर क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी कोष्टक में 1 1 1 0 1 कोष्टक 1 आधार 2, सी ऑप्शन 1 0 1 1 1 कोष्टक 1 आधार 2, डी ऑप्शन 36। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है 125 जो है डेसिमल संख्या उसको बाइनरी पर बदलने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन है 1 1 1 1 1 0 1 आधार 2, बी 1 0 1 1 1 कोष्ठक बंद आधार 2, और तीसरा ऑप्शन है 3 टाइम्स 1 0 1 कोष्ठक बंद आधार 2, डी है 0 और 5 टाइम 1 आधार 2। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और ये आप जो है मेरे को कमेंट करके बताना कि इसके आंसर ABCD में से क्या होंगे। ठीक है, और इस जो टॉपिक है आज अपन ने पढ़ा है कि संख्या प्रणाली क्या होती है, नॉन पॉजिशनल संख्या, पॉजिशनल संख्या क्या होती है, पॉजिशनल संख्या प्रणाली में 4 भाग होते हैं, डेसिमल प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ठीक है, 0 से 9 01, 0 से 7 और 0 से 9 से ABCDEF। ठीक है, और अपन ने पढ़ा कि भाई डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या प्रणाली में कैसे बदलते हैं, तो आज अपन ने ये पढ़ा डेसिमल संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में कैसे बदलते हैं। फिर बाद में अगली क्लास में अपन ने पढ़ेंगे कि डेसिमल संख्या प्रणाली को ऑक्टा संख्या प्रणाली में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये पहले मैं डेसिमल से तीनों को बदल दूंगा, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी हो गया, डेसिमल से अब ऑक्टा चलेंगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल चलेंगे, ठीक है, फिर रिवर्स चलेंगे, क्योंकि एक जो है आपको डेसिमल से बाइनरी समझ में आ गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेसिमल से जो बाइनरी में जैसे बदल रहे हैं ना 2 का भाग दे रहे हैं, तो डेसिमल से ऑक्टा में बदलने पर किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। ठीक है, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 16 का भाग देंगे, बस इतना फ़र्क है। तो आपको ये आज समझ में आ गया डेसिमल प्रणाली क्या होती है, डेसिमल से बाइनरी कैसे जाते हैं,
तो आपको बाय के दो भी आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट, और जो आपके साथी हैं उनको भी बताओ कि भाई सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और ये वास्तव में मोस्ट टॉपिक है। इसके 3 से 4 क्वेश्चन जो है अपने मेन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप जानते हो बूंद बूंद से कड़ा पड़ता है, और पास होने के लिए एक एक नंबर भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, और बहुत ईजी टॉपिक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, और गारंटी तभी है जब आप प्रैक्टिस करो। अब आप प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते और फिर कह रहे हो साहब हम तो फेल हो गए, तो फिर क्या करेगा टीचर भी। ठीक है, तो आपको शर्त ये है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये 3 सवाल दिए, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, 125 और 29 का आपको निकाल के देखो क्या आता है आंसर, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।